नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणधीर कुमार जलालपुर से। जैसा कि हम जानते हैं, किसान की उन्नति ही देश की उन्नति। आज किसान बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं। उनमें एक है, फसल में लगाया गया पूंजी कैसे बचाया जाए। सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें एक है बीमा। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आपको फसल बीमा के बारे में कुछ जानकारी है? हम लोग कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा बीमा अगर हो जाए तो हम लोग के लाभदायक ही होगा। बीमा यहाँ कहाँ से, बीमा कोई बीमा के बारे में तो लोग जानता भी नहीं कि क्या है बीमा। जी नहीं, बीमा के बारे में मैं नहीं जानता हूँ और न हमको कोई बताया अभी तक कि फसल बीमा भी होता है। जी नहीं, हम अनपढ़ आदमी, हमें उसके बारे में जो अपने मर्जी में आया हुआ किए खेती। बदलते मौसम के वजह से, जैसा कि समय पे बारिश का नहीं होना और तापमान में उतार चढ़ाव का होना, अनियमित मौसम के कारण किसान जितना लागत लगाते हैं उसके अनुसार उपज नहीं होता। इसी वजह से बीमा आज की जरूरत है। चलिए कुछ किसान भाइयों से बीमा के बारे में जानते हैं। किसान लोग तो पूंजी पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है, इसलिए वह खेती छोड़ के भाग जाता है। बीमा होने से कम उसका पूंजी सुरक्षित रहेगा, फिर खेती करेगा। बीमा से अगर कुछ उससे भी अगर आ गया तो और कुछ मिला के कर्ज उर्ज लेके लोग खरीद लेगा। जमीन बेचने से लोग, आत्महत्या करने से लोग बच जाएंगे। इसके चलते अगर हम लोग बीमा कराएंगे तो बीमा यानी इंश्योरेंस कंपनी हम लोग का उसका क्षतिपूर्ति करेगा, इसीलिए बीमा कराना निहायत जरूरी है। इसी वैशाली क्षेत्र में सीकेएफ के द्वारा चलाए जा रहे इफ्को टोक्यो के माध्यम से सूचकांक आधारित मौसम बीमा से लाभ प्राप्त किए कुछ गांव हैं, जैसे भत्तादासी, सरसई मुकुंदपुर और राजा पाकर। आइए कुछ किसानों से मिलते हैं। हमारा नाम कुरिल सिंह है, गांव राजा पाकर दक्षिणी है। ये फसल बीमा एक ऐसा सुंदर चीज है जो हमारे यहाँ तो पहले नहीं होता था, लेकिन अब खरीफ फसल से होना शुरू हो गया है और इससे हम लोगों को लाभ मिल रहा है कि फसल थोड़ा भी गड़बड़ अगर हो गया तो शेयर हम लोगों को मिल गया। गत रबी में लगभग 153 किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया था, जिसकी आज यहाँ जिसके क्लेम वितरित हो रहे हैं। इंश्योरेंस कराने से हम लोग के भी फायदा हुआ कि जो हम लोग फसल जो लगाए थे उस फसल सूख जाने से या नष्ट हो जाने से कुछ हम लोग के जो बीमा के रूप में होता है वो हम लोग के मिल। गेहूँ के बीमा कराने से बहुत फायदा हुआ। धान के बीमा भी कराने के लिए हम सब चाहते हैं। गेहूँ के बीमा कराने के बाद हम लोगों को फायदा मान कुछ मिला ही, उसके बाद धान का बीमा कराने में भी हम लोगों को मिलना चाहिए। तो पहले हम लोग सुना करते थे पेपर के माध्यम से, लेकिन बीमा का असली रूप आज ही हम लोग को आमने सामने आया है। यहाँ की फसलें अगर आप देखें, पहले हम लोग गेहूं और धान में ही इसको लिए थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जितनी भी फसलें हैं हमको सभी लेनी पड़ेंगी और हम इनको एक इफ्को बीमा गांव के रूप में ले रहे हैं, ताकि ये गांव एक मॉडल बने बिहार के लिए और लोगों को ये पता चले कि बीमे से वाकई किसान को क्या क्या फायदे हैं। कभी बाढ़ तो कभी सूखा, मौसम अब अनिश्चित होता जा रहा है। बदलते हुए मौसम में अब सूचक आधारित बीमा के आ जाने से वर्षा, तापमान, वातावरण की नमी के उतार चढ़ाव से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई किसानों को मिल सकती है। पारंपरिक फसल बीमा की कुछ सीमाएं हैं। ये वास्तविक फसल में होने वाले नुकसान से जुड़ा होता है, इस कारण इसका आकलन और भरपाई कर पाना मुश्किल होता है। जबकि सूचक आधारित बीमा योजना के अंतर्गत आने वाली आपदा जैसे बाढ़, सूखा, तूफान, ओले, कीट तथा रोग आदि के कारण होने वाली आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति होती है। इस तरह से फसलों में आने वाले विभिन्न जोखिमों का निवारण करता है सूचक आधारित बीमा, ताकि हर मौसम में खुश रहे किसान। ये तो बात हुई क्लाइमेक्स स्मार्ट ग्राम की, जहां किसानों ने बीमा का लाभ लिया। आप भी लाभ लेने के लिए दिए गए पते पर संपर्क करें।